हेलो नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है एक छोटे से शॉर्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग आज देखने जा रहे हैं ऑस्कर अवार्ड्स के बारे में। एज यूजुअल जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते जाते हैं करंट अफेयर्स के पॉइंट से, वो सब तो हम लोग सुबह के सेशन में डिस्कस करते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि काफ़ी सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं जो आपको एक शॉर्ट वीडियो में मिलती हैं। तो आज के जो शॉर्ट वीडियो का टॉपिक है वो है ऑस्कर अवार्ड्स। अब ऑस्कर अवार्ड से जुड़े हुए सवाल एग्जाम में क्या क्या पूछे जाएंगे, सिर्फ उसके बारे में हम लोग फोकस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। इनके ऊपर, ऑस्कर अवार्ड्स के ऊपर पीएचडी करने की ज़रूरत आपको नहीं है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट आपसे क्या पूछा जा सकता है, ऑस्कर अवार्ड का यहाँ पे दूसरा नाम क्या है? तो ऑस्कर अवार्ड को अकेडमी अवार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, क्यों अकेडमी अवार्ड के नाम से? क्योंकि ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है अकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा। तो पहली चीज़, तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, अकेडमी अवार्ड्स। दूसरा पॉइंट जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि ये जो अवार्ड्स हैं इनको किस जगह पर आयोजित किया जाता है, या फिर ऐसी कौन सी प्लेस है जहां पर इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। आंसर क्या बनेगा? आंसर रहेगा यहां पे लॉस एंजलिस। तो दो पॉइंट तो निकल के ही आ गए, लेकिन तीसरा पॉइंट एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि ये जो अवार्ड है सबसे पहली बार कब दिया गया था, तो ईयर क्या हो जाएगा? 1929। आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे कि क्या इंडिया की ऐसी कोई मूवी है, या फिर इंडिया का क्या कोई ऐसा पर्सन है जिसको ऑस्कर अवार्ड जो है वो दिया गया था, या फिर उससे सम्मानित किया गया था। ये आंसर आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताओगे, ठीक है? चलो, अच्छा आगे देखो पॉइंट्स क्या है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे पैरासाइट मूवी। अगर हम इस मूवी की बात करें तो ये जो मूवी है ये कौन सी कंट्री की है? साउथ कोरिया की है, यानी कि इसकी लैंग्वेज क्या होगी? कोरियन लैंग्वेज होगी। अब यहाँ पे देखो, इससे जुड़े हुए चार लाइनें आपको याद रखनी है। सबसे पहली चीज़, ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई नॉन इंग्लिश मूवी है जिसको यहाँ पे ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया, यानी कि इस मूवी के अंदर कोई भी इंग्लिश का स्टेटमेंट आपको देखने को नहीं मिलने वाला। और इसको यहाँ पे चार अवार्ड मिले हैं। सबसे पहला कौन सा है? बेस्ट पिक्चर अवार्ड। दूसरा है बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। तीसरा है बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीन प्ले अवार्ड। और चौथा है यहाँ पे इंटरनेशनल फीचर फिल्म अवार्ड। एग्जाम में देखो क्या पूछा जाएगा, फीचर फिल्म वाला और यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ठीक है? दोनों याद रखना। मूवी कहाँ की है? साउथ कोरिया की है, तो लैंग्वेज क्या हो जाएगी? कोरियन लैंग्वेज यहाँ पे रहेगी। तीसरा पॉइंट, ये नॉन इंग्लिश मूवी है। ओके, चलो नेक्स्ट देखो क्या पॉइंट है। अब अगर पूछा जाता है कि बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड किसको मिला है, तो इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है किसको? बोंग जॉन हू को। अब इनके नाम से ही लग रहा होगा कि ये चाइनीज़ है, बट ध्यान रखना साउथ कोरिया की जो मूवी है पैरासाइट, उसी के डायरेक्टर को यहाँ पे बेस्ट डायरेक्टर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे, अब देखो मूवी हो गई, डायरेक्टर हो गए, अब क्या आएगा? एक्टर और एक्ट्रेसेस आएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है जैक्विन फिनिक्स। अब इनके ऊपर एक सवाल, क्या पेटा अवार्ड जैसा यहाँ पे कोई अवार्ड दिया गया था क्या? तो मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताइएगा, पेटा अवार्ड की कौन सी कैटेगरी में 2019 में इनको एक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वो कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए। ओके, जैक्विन फिनिक्स, इनको दिया गया है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अब मूवी भी तो पूछी जा सकती है, तो मूवी कौन सी रहेगी? मूवी बनेगी यहाँ पर जोकर मूवी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड रिनी को मिला है। मूवी कौन सी बनेगी यहाँ पे? जुड़ी मूवी का नाम रहेगा। दोनों ही नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, इसको ध्यान रखना। आगे देखो यहाँ पे क्या है, बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल। अब ये नाम तो पता ही होगा सबको, कुछ नया नहीं है, बहुत ही कॉमन नाम है। ब्रैड पिट को यहाँ पे अवार्ड मिला है फॉर सपोर्टिंग एक्टर, ठीक है? इसके अलावा अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि इनकी मूवी कौन सी थी जिसमें इनको ये अवार्ड मिला है, तो आपको यहाँ नज़र आ रही होगी, वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड, इस मूवी के लिए इनको सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया है। एक्ट्रेस अगर पूछी जाएंगी तो ये कौन रहेंगी? लॉरा डेन। मूवी का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? मैरिज स्टोरी। अब देखो यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है आपको इमेज, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नेटफ्लिक्स। तो अगर मान लो, सपोज करो एग्जाम में ये पूछा जाता है क्या ये जो मूवी है कहीं नेटफ्लिक्स से इसका कोई लेना देना है, तो डेफिनेटली इसका एक पार्ट है। अगला देखो, बेस्ट एनिमेटेड मूवी अगर पूछी जाएगी, आपने देखी होंगी काफ़ी सारी एनिमेटेड मूवी होती है ना, तो एनिमेटेड मूवी के पार्ट में टॉय स्टोरी 4 ये आपको देखने को मिली, जिसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। शॉर्ट स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी का मतलब होता है 5 या 10 मिनट की कोई मूवी, वो अवार्ड किसको गया है? हेयर लव को दिया गया है। नेक्स्ट पार्ट, डॉक्यूमेंट्री फीचर, यानी कि डॉक्यूमेंट्री अगर देखी जाए, जैसे कि हम लोग बात करते हैं ना मोती बाग, नाम सुना है? ये जो मूवी थी उत्तराखंड से गई हुई थी ऑस्कर के लिए, उसी तरीके से डॉक्यूमेंट्री मूवी जो है या फीचर जो है वो कौन सी है? अमेरिकन फैक्ट्री। अच्छा, इससे जुड़ा हुआ एक पॉइंट, ये नाम तो सबको पता होगा,
इनकी प्रोडक्शन है, यानी कि बराक ओबामा ने एक अपनी अलग से कंपनी भी शुरू करी गई थी और उसी में इस मूवी को प्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट देखो क्या है, डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैरोल ड्रेसिंग फॉर द लर्निंग टू स्टेक बोर्ड इन द वॉर जोन। अब देखो यहाँ पे एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, सिंपल सी बात है, शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री अगर पूछी जाती है, ये भी शॉर्ट है ना, मतलब बहुत छोटी सी मूवी होगी, ये गया है अवार्ड किसको, लर्निंग टू स्टेक बोर्ड इन द वॉर जोन। वॉर जोन टर्म आया है तो यहाँ पे ये जो मूवी है ये क्या दिखाती है, काबुल बेस्ड मूवी है, ये आपको इमेज नज़र आ रही होगी, अफगानिस्तान के अंदर जो बच्चियाँ हैं उनसे जुड़ी हुई आपको ये मूवी देखने को मिलती है, तो जहाँ पे भी ये टर्म आएगा समझ लेना वो अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है। अब इसके अलावा एक लास्ट पॉइंट और है जो एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो क्या है, बेस्ट म्यूजिक ओरिजिनल स्कोर के लिए किसको अवार्ड गया है, जोकर मूवी को। तो इतने सारे अवार्ड्स हैं जो आपके टिप्स पे रहने चाहिए, क्योंकि अगर ये भूल गए तो एग्जाम में प्रॉब्लम होने वाली है, तो इतने नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो चलो मिलते हैं आपसे फिर कब, अगले दिन अगले न्यूज़ के साथ, तो तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।